दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड वी ऑल लव टू डेकोरेट आर होम इन फेस्टिव सीजन्स। किसी को रेडीमेड आइटम सही लगते हैं तो किसी को खुद से डीआईवाई बना के सजाना अच्छा लगता है। तो आज इसी सिलसिले में मैं भी लेके आई हूँ कुछ दिवाली डेकोर डीआईवाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे ये एक कटआउट ले लिया है। ये मैंने लिया है फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर, एक इंस्टाग्राम स्टोर है एंड रिसेंटली उन्होंने अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया है। तो उसका डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। एंड मेरा कूपन कोड खुशबू 5 वहाँ पर यूज़ करने पर आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिलेगा। तो सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल ये एक MDF कटआउट था जिसको मैंने यहाँ पर पहले जैसो का एक बेस कोड दिया, जब वो ड्राई हो गया है तब मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर से, मैंने यहाँ पे चॉक पेंट एंड थोड़ा एक्रेलिक कलर भी यूज़ किया है, उससे मैंने इसे इस तरीके से पेंट कर लिया है। मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपली एक जो नॉर्मल अपना स्पंज होता है उसी से मैंने इसे इस तरीके से पेंट किया है। एंड बॉर्डर में जो राउंड आपको बॉर्डर दिख रहा है उस पर मैंने यहाँ पे ये छोटे वाले स्क्वायर मिरर्स यूज़ किए हैं। ये मिरर्स मैंने लिए हैं आई गेस फ्रॉम Amazon, तो उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितनी ही जल्दी, कितना ही फटाफट हमने अपना फर्स्ट DIY बना लिया। सेकेंड DIY भी उतना ही अमेजिंग है। यहाँ पे दिवाली के टाइम पे हर शहर में आसपास कहीं ना कहीं मिट्टी की ऐसी चीज़ें बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे बस 50 रुपीज़ में मैंने आई गेस परचेस किया है और इसको अब हम कर लेंगे फटाफट से पेंट। तो सबसे पहले मैंने बेस कोट दिया है वाइट एक्रेलिक कलर का, यहाँ पर मैंने अपना जेसो नहीं यूज़ किया है। एंड उसके बाद मैंने इट्सी बिट्सी के चॉक कलर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, पिंक एंड पर्पल, आई गेस पर्पल है या कुछ और शेड कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा येलो कलर से जो अंदर के जो बॉर्डर्स थे उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एंड ये फटाफट से विद इन आई थिंक 10 to 15 minutes हमारा एक DIY यहाँ पे रेडी हो गया। तो देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ये। तो चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड DIY की तरफ। इसमें थोड़ी सी मेहनत है बट बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मैं ये लोकल शॉप से लेके आई हूँ नेट का फैब्रिक, बहुत ही ईजिली आपको अपने लोकल जो मार्केट्स होते हैं कपड़े की जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था, मैं इससे आगे सोच रही हूँ कि बहुत कुछ बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल ये फैब्रिक मेरे पास आई गेस 1 meter ही था, तो यहाँ पर पतले पतले स्ट्रिप्स मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। एंड यहाँ पर ये छोटे छोटे मैं इस बार नेट के टैसल्स बना रही हूँ। हर बार हम लोग ऊन के धागे के बनाते हैं, इस बार मैंने सोचा कुछ अलग किया जाए, तो मैंने यहाँ पे नेट के टैसल्स इस तरीके से बनाए हैं। ऊपर आपने देखा कि मैंने एक कच्ची सिलाई की एंड उसको श्रिंक कर लिया अपने फैब्रिक को, एंड इस तरीके से गोल्डन बीड्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं। एंड जो भी था मेरे पास वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये जो आप देख रहे हैं ना वाइट बीड्स, ये सब मेरे पुराने तोरण के हैं, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ चीज़ें मैं लोकल क्राफ्ट स्टोर से लेके आई हूँ। अगर आप ऑनलाइन ये चीज़ें लेते हैं तो थोड़ी आपको महंगी पड़ती हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप लोकल शॉप, अगर आपके शहर में कोई है तो प्लीज़ एक्सप्लोर करिए, आपको काफ़ी रिजनेबल पड़ेगा। एंड उसके बाद ये 1 meter फैब्रिक मैं लाई थी जिसको मैंने अपनी पूजा जो मैंने सेटअप किया था वहाँ पे मैंने यूज़ किया था, तो उसे ही मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ। इस फैब्रिक का मैंने कहते ना टुकड़ा टुकड़ा कतरा कतरा यूज़ कर लिया है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दिया है। इस तरीके से सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से मैंने एक बोर्ड लिया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये क्या है, बट ये आपको दिख रहा होगा कि MDF है या प्लाई है, बट नहीं, ये आई गेस फोम बोर्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आप इसको अपने क्राफ्ट कटर जो होती है उससे कट कर सकते हैं। तो आगे की तरफ मैंने अपने फैब्रिक से उसे कवर कर दिया है। एंड अब जो ये मैं मार्केट से चीज़ें लाई थी इनको भी थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। जो ये MDF के जो प्रिंट आउट्स हैं ये बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंट्स हैं, इनके पीछे मैं थोड़े से लेस लगा रही हूँ। एंड ये देखिए इस तरीके से रेडी हो गया। अब जो हमारा टैसल था उसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे सो दैट कि जब हम अपने तोरण को, बंधनवार को जब ऊपर हैंग करें तो चीज़ें ऐसे टपक ना रही हों। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने सारे ये जो लटकन्स थे उनको रेडी कर लिया है। थोड़ा सा गोटा पट्टी भी यहाँ पे यूज़ किया है और बैकग्राउंड को इन्हांस करने के लिए। एंड पीछे मैंने जो हुक था, जो हैंगर था, उसको भी इंस्टॉल कर दिया है एंड वाइट पेपर से अच्छे से कवर कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें बस हमको यहाँ पे स्टिक करनी है। स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू का यूज़ किया है, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लूगन का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरीके से ये सारी चीज़ों से मैंने अपने इस तोरण को फटाफट से रेडी कर लिया है। तो आज के इन सारे DIYs में मेरा फेवरेट है ये बंधनवार। आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले DIY की तरफ।
तो हमारे फोर्थ DIY के लिए अगेन मैंने यहाँ पे एक MDF का टी लाइट होल्डर ले लिया है। ये भी मैंने लिया है फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर, एंड जैसा कि मैंने बोला कि मैं सारे लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जेसो का बेस कोट अप्लाई किया, एंड अब मैं यहाँ पे इट्सी बिट्सी का चॉक प्रिंट यूज़ कर रही हूँ। इट्सी बिट्सी ने अभी रिसेंटली नए शेड्स लॉन्च किए हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं, यू मस्ट ट्राई, आप चेक करिएगा। मैं आपके साथ उसके भी सारे लिंक्स शेयर कर दूँगी। एंड अगर आप इट्सी बिट्सी से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू5 यूज़ करते हैं। तो सारे डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पहले मैंने जेसो अप्लाई किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे चॉक पेंट से इसे कम्प्लीटली पेंट कर दिया। अब जहाँ पे विजिबल एरिया है जो भी, वहाँ पे मैंने गोल्डन पेंट से इसको हाईलाइट कर दिया है, एंड अब मैं एक स्ट्रॉन्ग ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर दूँगी। आप चाहे तो फेविकॉल या फिर कोई भी नॉर्मल ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टोन चेन जो है उससे इसे डेकोरेट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन रखा है, एंड देखिए कितना ही क्लासी लग रहा है ये, मुझे तो बहुत ही पसंद आया है इसका लुक। जब टेबल डेकोर की बात आती है तो एक बार लगता है कि एक अच्छा सा नैपकिन होल्डर होता तो क्या बात होती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फेस्टिव सीज़न में एक प्यारा सा टिश्यू पेपर होल्डर बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये एक MDF का टिश्यू बॉक्स ले लिया है, एंड उसके बाद मैं उसे डेकोरेट करने वाली हूँ ये कार्डस्टॉक से। ये मैंने लिया है इट्सी बिट्सी से, ये कलमकारी प्रिंट है एंड बहुत ही सुंदर है, क्वालिटी इसकी बहुत ही प्यारी है, एक ग्लॉसी फिनिश है, लैमिनेटेड है एक्चुअली में ये, एंड आप देख सकते हैं कि ये कितना ही सुंदर डिज़ाइन है। इसमें बहुत सारे प्रिंट्स हैं, आपको उस एक पैकेट में आई थिंक 12 शीट्स मिलते हैं, एंड सारे शीट्स बहुत ही सुंदर हैं। तो यहाँ पे मैं मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से इसे इस तरीके से स्टिक कर दूँगी। आपको इसमें बिल्कुल रिंकल्स वगैरह नहीं आने वाले हैं क्योंकि ये कार्ड स्टॉक है, तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो जो भी हैंडल्स हिंजेस थे उनको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, एंड साइड में मैं ये वाला प्रिंट यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, एंड इसको भी हम मेज़रमेंट ले लेंगे, जो भी हमारा साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पर कट करके स्टिक कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे स्टिक कर दिया है। अब जो ऊपर का पोर्शन है वो हमें ओपन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रिसिजन नाइफ़ का यूज़ करते हुए उसे कट करके रिमूव कर दूँगी। एंड देखिए कि कितना ही प्यारा लग रहा है ये अभी ही, जबकि अभी थोड़ा काम बाकी है। अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का चॉक पेंट यूज़ किया है, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम इट्सी बिट्सी। एंड उसके बाद जो एजेज़ हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे टिंटेड मेटालिक कॉपर कलर का यूज़ किया है, एंड उससे मैं इसे पेंट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को अलग कर दिया था, अब जिसके हिंजेस एंड लॉक्स हैं उनको हम वापस से यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो ये सब हो जाने के बाद लास्ट में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लिटिल बर्डी का रेजिन, एंड ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बिल्कुल बबल्स वगैरह नहीं होते हैं, बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। तो यहाँ पे जो 2:1 का प्रोपोर्शन है वो आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिए, आपको सिर्फ 2-3 मिनट इसको अच्छे से स्टर करना है, उसके बाद आप अपने सर्फेस पे इसको इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए, एंड फॉर 24 आवर्स आप इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए कितनी ही ईजिली हमने कितना ही सुंदर और प्यारा सा एक टिश्यू पेपर होल्डर बना लिया है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये एक छोटा सा DIY अच्छा लगा हो। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमेजिंग आइडिया के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।